सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज दोबारा एक नया ब्लॉग शूट होने जा रहा है जो कि हमारे फेयरवेल का है। तो हर बार की तरह मेरा हल्का फुल्का दोस्त फिर से आज मेरे साथ है। तो जैसे guys, तो थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी ब्रांडेड शर्ट ले रखी है, बट कोई बात नहीं। अब हम रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा फेयरवेल है, वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के प्रजातियाँ मिलेंगी जो कि कुछ मतलब वो आप देखना, वहीं पर जो आएंगे वो लोग तब दिखाएंगे। तो अभी हम रेडी होने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंजॉय करते हुए बाद में मिलते हैं। बाय बाय। तो यहाँ पर अब हम आए हुए हैं अपने राजा बाबू के घर पे, जो भी अंदर रेडी हो रहा है। तो देखते हैं क्या कर रहा है अंदर। आप सभी से अनुरोध है कि सस्ते नशे ना करें, नहीं तो ऐसे साइड इफेक्ट देख सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, अभी भी इनकी खुराफात शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं इनके छाती में कौन से जनूने काट रहे हैं। तो मैंने क्या आप लोगों से कहा था कि मैं रेडी होने जा रहा हूँ, पर इन लोगों की हरकतें आपने देख ली कि रेडी अभी तक हुए नहीं है। तो अब हम फाइनली रेडी होने जा रहे हैं, और इस बार फाइनली रेडी होने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हो तो फाइनली अब रेडी हो चुके हैं, तो अब जा रहे हैं फेयरवेल के करने के लिए। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा। तुम हुस्न पर ये हमारा राजा बाबू है, राजा बाबू है हमारा राजा बाबू, और ये हल्का फुल्का दोस्त थोड़ा तो स्मार्ट लग ही रहा है। चलो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलवाते हैं आपको हमारे नए नए प्रजातियों से। इसको आप जानते हो राजा बाबू, ये हमारे हल्का फुल्का दोस्त, और बाकी आपको दिखाते हैं जब जाते हैं, हम वहां पर पहुंचेंगे तब दिखाते हैं। बाय बाय। इतनी सारी चकाचौंध देख के मेरी तो आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को तो जैसा कि पता ही है मुझे डांस वांस तो आता है नहीं, तो मैं शांति से बैठ के और अपना जूस का ग्लास लेके थोड़ा सा कूल बनने का सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो इतनी सारी मस्ती और उधम के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, तो थोड़ा सा ड्रिंक लेके अपने आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो फाइनली अब मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पूरे सेशन की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।